अत्यावश्यक सेवाओं का अनुच्छरण अधिनियम 1966 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन 1966 की धारा 3 की उपधारा इस्मा के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल के द्वारा लेखपालों के हड़ताल को 6 माह की अवधि के लिए निषिद्ध किया है। इस संबंध में लेखपालों से कार्य पर वापस आने के लिए अपील किया गया था, परंतु उनके द्वारा कार्य से विरत रहकर हड़ताल जारी रखा गया। कार्य पर ना आने को जनपद के लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष नीलकंठधर दुबे, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष राम केवल सिंह, कनिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वजीत सिंह शाही, जिला मंत्री जगदीश, जिला संगठन मंत्री जावेद खान, सदर तहसील के अध्यक्ष दिनेश कुमार पंकज, गोला तहसील के अध्यक्ष रमाशंकर सिंह, मंत्री ओम प्रकाश यादव, कैंपियरगंज तहसील के नागेंद्र दुबे अध्यक्ष व मंत्री दिवाकर चंद्र वर्मा, चौरी चौरा के अध्यक्ष नमन कुमार मंत्री, अमित कुमार सैजनवा, तहसील के अध्यक्ष जोगेंद्र यादव, मंत्री राजेश पाठक, खजनी तहसील के अध्यक्ष राम दयालु, मंत्री अश्वनी सिंह तथा बांसगांव के अध्यक्ष संतोष राय, मंत्री अंजनी कुमार त्रिपाठी, लेखपालों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही 469 नए प्रशिक्षित लेखपालों को सेवा से हटाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है, क्योंकि अभी उनकी प्रोवेशनल काल अवधि भी पूर्ण नहीं है। जिन लेखपालों को नोटिस दिया गया है, सदर तहसील के 98, गोला के 78, चौरी चौरा के 49, कैंपियरगंज के 36, बांसगांव के 70, सैजनवा के 56 तथा खजनी के 82 नए लेखपाल शामिल हैं। ये जानकारी जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने देते हुए बताया। देखिए, लगातार लेखपाल अभी तो एक सप्ताह से ऊपर हो गया है, इन लोग लगातार आंदोलन में हैं। इन लोग का शासन लेवल से बातचीत भी हो गया है। शासन लेवल में इन लोग का जो कितने जायजी बात है, जो लीगल बात है, उसका एड्रेस की गई है, वो आश्वासन भी मिला है। इन लोग का वेतन विसंगति का मामला भी कमेटी के माध्यम से रेफर की गई है। इन लोग का आश्वासन के बाद भी इन लोग फिर वो अभी हड़ताल तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग यहाँ का जनपद में अमीन और बाकी विभाग का जो सेक्रेटरी, सचिव, विकास अधिकारी, पंचायत अधिकारी, सबको जो इन लोग जनता को इस समय में परेशानी हो रही है, खासतौर पर सर्टिफिकेट जारी करने में, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र जारी करने में तो इश्यू हो रही है, उसका एड्रेस करने के लिए हम लोग मैकेनिज्म तो बना लिया। बट आज कल चेतावनी के बाद भी इन लोग तो हड़ताल तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हम लोग जो इस पे पदाधिकारी लोग, तहसील लेवल का जो कितने मंत्री और अध्यक्ष लेवल का जो ऑफिसर है, जो इनका जो संघ का, और यहाँ जनपद लेवल का भी लोग हैं, उनको सस्पेंड करा दी गई। और यहाँ तो 470 लोग हैं जो वैसे लेखपाल है, बिल्कुल नया भर्ती में है, उन लोग परमानेंट भी नहीं हुआ है, उन लोग का अभी तो उन लोग शोकास नोटिस जारी कर दिए, ताकि हम लोग कोई सख्ती करेंगे तो फिर उन लोग का नौकरी खतरा में पड़ जाएगा। इसलिए तो हम लोग समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं इन लोग का, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप इस पर सर्विस पर आ जाएँ, ताकि जो जायज़ी बात है सारे तो सुन करके उसका फैसला भी हो गया है। इन लोग को जो मामला आगे रखना है उसको हम मदद करेंगे, उन लोग के साथ जो भी जायज़ी बात है उसको शासन लेवल पर प्रयास करके उन लोग का मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। फिर भी जो जनता का परेशान कराने के विषय है, इस पर कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एवं जो शासन लेवल पे अभी इस्मा एक्ट भी लागू हो गया, इस्मा एक्ट का अंदर 6 महीने के अंदर जो प्रोविजन दिया हुआ है, हम लोग टेम्प्रोरी स्टाफ रिक्रूट करते हुए भी इसके काम को दूसरे किसी व्यक्ति से चला सकते हैं। अभी चेतावनी के तौर से सस्पेंशन हम लोग चालू किए हैं, कल से इन लोग बक्सा भी हम लोग जमा कराना चालू करा दिया। फिर भी जो लेखपाल नहीं मानते तो फिर उसे आगे भी सख्ती से कार्रवाई कराना पड़ेगा हम लोग का।